नमस्कार आदाब दोस्तों, टेक्निकल ग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जब से विंडोज 11 लॉन्च हुआ है उसको लेकर के लोगों में काफी क्रेज है, क्योंकि विंडोज 11 के अंदर अब आपको बहुत सारे ऐसे नए फीचर मिलेंगे जो विंडोज 10 के अंदर आपको नहीं मिलते थे। और विंडोज 11 का इंटरफेस विंडोज 10 से बिल्कुल अलग है और यूनिक है। विंडोज 11 में दोस्तों जिस चीज ने सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान खींचा है, सबसे ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट किया है, वो क्या है? विंडोज 11 का टास्क बार। अगर आपने विंडोज 11 का टास्क बार देखा होगा तो आपने देखा होगा वो सेंटर में है। अब जो लोग विंडोज 10 का अभी इस्तेमाल करते हैं वो लोग यही सोच रहे हैं कि काश हम भी अपने टास्क बार को विंडोज 11 की तरह सेंटर में सेट कर पाते। तो दोस्तों आपको यहाँ पे निराश होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप अपने टास्क बार को विंडोज 11 की तरह सेंटर में सेट कर सकते हैं, वो भी बिना किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के। तो आइए दोस्तों आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आपको यहाँ नीचे टास्क बार पे राइट माउस क्लिक करना है। अगर आपका टास्क बार लॉक है तो इस पे क्लिक करके पहले आपको अपने टास्क बार को अनलॉक कर लेना है। इसे अनलॉक करने के बाद दोबारा आपको यहाँ नीचे टास्क बार पे राइट माउस क्लिक करना है। सबसे ऊपर आपको ऑप्शन मिलेगा टूल बार, इस पे जाना है और इसके अंदर दोस्तों यहाँ पे आप देखिए दूसरा ऑप्शन आपको मिलेगा लिंक्स का, आपको यहाँ लिंक्स पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लिंक्स पे क्लिक करेंगे अब दोस्तों नीचे यहाँ टास्क बार में आप देखिए यहाँ पे आपको लिंक्स लिखा हुआ दिखाई देगा। अब आपको यहाँ लिंक्स पे राइट माउस क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ये चेक कर लेना है, ये शो टेक्स्ट और शो टाइटल, ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे चेक मार्क होना चाहिए। अगर ये दोनों चेक मार्क नहीं है तो आपको यहाँ पे चेक मार्क कर देना है। ये चेक करने के बाद से वापस आते हैं नीचे टास्क बार में और जहां पे लिंक्स लिखा है उसी के बगल में दोस्तों आप यहां पे देखिए आपको एक वर्टिकल डिवाइडर दिखाई देगा। आपको अपने माउस के कर्सर को इस वर्टिकल डिवाइडर पे लेके जाना है और इसको यहां से पकड़ के आपको लेफ्ट साइड में लाकर के बिल्कुल दबा के इधर छोड़ देना है। अभी आप देखेंगे आपका टास्क बार इधर राइट साइड में आ गया, ठीक है। इधर राइट साइड में आने के बाद से अब राइट साइड में भी देखिए आपको यहाँ पे एक वर्टिकल डिवाइडर देगा, वैसे आपको अपने माउस को लेके जाना है और यहाँ पे दबा करके आपको अब यहाँ लेफ्ट साइड में खींचना है और बिल्कुल सेंटर में ला करके यहाँ पे आपको छोड़ देना है, ठीक है। इसको छोड़ने के बाद से अब आपको यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में जो लिंक्स लिखा है इस पे राइट माउस क्लिक करना है और यहाँ शो टेक्स्ट को अनचेक करना है, फिर से राइट माउस क्लिक करना है और शो टाइटल को भी यहाँ से आपको अनचेक कर देना है। ये अनचेक करने के बाद से वापस आपको फिर से इस पे राइट माउस क्लिक करना है टास्क बार पे और लॉक द टास्क बार कर देना है। अगर आप ये सारा स्टेप सही से फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे विंडोज 11 की तरह आपका टास्क बार भी बिल्कुल सेंटर में आकर सेट हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो आप इसको लाइक करिए, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप मेरे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करिए। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि मेरे हर नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे।